हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। दोस्तों, आज मैं कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ। और मेरी वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में भी लिखना। चलो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए देखो दोस्तों, मैंने ये पनीर को इस तरह से काट लिया है। आप इसको छोटा या बड़ा भी काट सकते हैं। ये मैंने जीरा लिया है, साबुत जीरा। ये धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 चम्मच। रेड चिली ली है 1 चम्मच। ये मैंने बारीक प्याज काट लिया है इस तरह से। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया मैंने, ये अमचूर पाउडर। ये 2 हरी मिर्ची काटी है मैंने। ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच। ये दोस्तों मैंने 2 से 3 टमाटर काटे हैं। और ये वो लिया है मैंने सरसों का तेल। ये मैंने दोस्तों 3 शिमला मिर्च काटी है और 3 से 4 मैंने प्याज काटा है इस तरह से। ये देखिए, ये लंबा काटा है मैंने। और मैंने शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं दोस्तों, उनको निकाल के इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। सबसे पहले मैं गैस पे ये कढ़ाई रख दी है। अब मैं गैस ऑन करूँगी। इसमें मैं तेल डाल दूंगी, 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें तेल का डालूंगी। ये दूसरा है, बस मैं इतना ही डालूंगी। इसको हमें थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दे। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी। ये हमारा जीरा ब्राउन कलर का हो गया है। मैं इसमें पेस्ट डालूंगी लहसुन अदरक का। ये देखिए, ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमें ब्राउन कलर का करना है। इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। इनको भी हमें थोड़ा भून लेना है हल्का सा। बंद कर दो। ये देखिए दोस्तों, ये ब्राउन कलर आ गया है। मैं इसमें अभी ये टमाटर डालूंगी। ये हरी मिर्ची, ये धनिया पाउडर, रेड चिली, ये अमचूर पाउडर, और ये हल्दी पाउडर, ये थोड़ा मसाला है 1 चम्मच। ये दोस्तों हींग है, 1/2 चम्मच हींग की। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
चम्मच में पानी डालूंगी इसमें। अब इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे ये टमाटर अच्छे से गल जाएं। अब इसमें ये देखो हमारा टमाटर गल चुके हैं, पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी और ये शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। ये 2 मिनट के लिए मैंने पकाऊंगी तेज आंच पर। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुकी है, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ये पनीर डाल दूंगी। अब इसे मैं कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको मैं अब कढ़ाई से बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका कलर कितना बेस्ट आया है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगी।